करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए आज मैं प्रश्नावली 3.3 से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर आज ही आप हमारे चैनल पर आए, अभी अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं बोलता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप मैथ्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सर मुझे ये चाहिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और मैं आपका हर डिमांड को पूरा करूंगा। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 11, इसको मानेंगे समीकरण ए। और यहां है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक कुछ अलग तरीके से बनाता है, क्योंकि मैथ्स में रटना मना। यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कभी भी पहले सॉर्ट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से x आ रहा है, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 2y आ रहा है, इज इक्वल टू 24। तो अर्थात आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस 12, ठीक। इक्वेशन सेकंड, अब समीकरण 2 हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड आई प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ने का मैं तरीका बता चुका हूं कि समीकरण एक से एक्स या वाई का वैल्यू निकालते हैं, उसको समीकरण 2 में पुट करते हैं, यदि 2 से एक्स और वाई का वैल्यू निकाले तो उसको समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो मास्टर स्ट्रोक में मास्टर माइंड भी बताया जाता है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करके एक्स या वाई को वैल्यू निकालकर 2 में पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन प्रोसेस टफ हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से 1 में निकाल के रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और आप अपने क्लास में सबसे पहले सॉल्व करके दोगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक्स बराबर माइनस 12, अंदर में माइनस 2y है, इधर आएगा तो प्लस 2y, माइनस 2y है, इधर आएगा तो प्लस 2y, इसको मान लेंगे समीकरण 3, इक्वेशन थर्ड। देखिए x का वैल्यू क्या निकला, माइनस 12 प्लस 2y। अब ध्यान देना है प्रतिस्थापन विधि में कि मैंने x का वैल्यू समीकरण 2 से निकाले हैं, इसको 2 में पुट नहीं करेंगे, उसको समीकरण 1 में पुट करेंगे। अगर x से निकालते तो उसको 2 में पुट करते। तो लिखेंगे x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 2x है, तो 2 इंटू एक्स है, तो x का मान क्या है, माइनस 12 प्लस 2y बराबर क्या है, 11। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो माइनस 12 दूना 24 प्लस 2 दूना 4y, और सॉरी यहां पर तो x का वैल्यू रखे थे, प्लस 3y भी है ना, मैंने सिर्फ x का वैल्यू रखा है, प्लस 3y बराबर 11, और यहां से प्लस हो जाएगा 3y बराबर 11। तो 4y और 3y को ऐड करेंगे तो 7y हो जाएगा बराबर 11, इधर माइनस 24 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे या y बराबर 11 और 24 35 हो जाएगा, 22 7 5 से कैंसिल आ रहा है, इसीलिए y बराबर क्या हो गया, 5। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब इस y को वैल्यू को रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है ना, यहां पर क्योंकि यहां सब कुछ हो रखा है, सिर्फ यहां पर y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा x का। तो लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है, x बराबर माइनस 12 प्लस 2 गुने वाई है, वाई का मान 5 है, तो इसीलिए लिखेंगे एक्स बराबर माइनस 12 प्लस 5 दूना 10, इसीलिए एक्स बराबर माइनस 2 बन गया, एक्स बराबर माइनस 2 और वाई बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा
इस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन है, यहां तक तो हम लोग सोल्व कर लिए, हल कर लिए। अब कहता है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को देखना, तो हमारा अब जो है क्वेश्चन था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है फाइंड किया है 5, तो यहां पर हम लोग 5 पुट कर दिए। यहां पर m है तो m एडिटिव रह जाएगा, यहां पर x है, x का वैल्यू क्या है -2 प्लस 3। अब देखिए 5 है तो अब ट्रांसपोजिशन करेंगे, इधर का जो भाग है रूपांतरण इधर का जो उधर करेंगे, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3। और पक्षांतर बोलते हैं, जब आप इक्वेशन पर है कि इक्वेशन के दो पक्ष होते हैं LHS और RHS, जब RHS को LHS में ले जाते हैं किसी एक पार्ट को या दूसरे पार्ट को इसमें लाते हैं यानी पक्षांतर करते हैं ट्रांसपोजिशन, तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस इंटू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इंटू हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा -2m, इसको इंटू करेंगे तो अब देखिएगा कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर 2 से इंटू है इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर m आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ रहा है, इसीलिए m इज इक्वल टू -1। अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1 आपका आंसर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।